माउंटेनियर काजल पटेल ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मांगी मदद। पैसे की कमी के चलते पर्वतारोही काजल पटेल का सपना है अधूरा। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर वो देश का मान बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। कई पहाड़ी चोटियों पर फतह करके अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। 18,000 फीट लद्दाख की ऊंची चोटी पर फहरा चुकी हैं तिरंगा। ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिलने पर रक्षा विभाग ने इन्हें दिया है प्रशस्ति पत्र। मशहूर पर्वतारोही बछेंद्री पाल से भी मिल चुकी हैं काजल पटेल। पर्वतारोहण दिवस पर किसान की बेटी ने एक बार फिर सीएम से गुहार लगाई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश जहां 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मना रहा था, वहीं मिर्जापुर के किसान की बेटी पैसे की कमी के चलते अपने सपनों को पंख नहीं दे पा रही है। दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का उसका सपना है, पर धन के अभाव में ये सपना उसका पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के विकासखंड जमालपुर के हिनौती माफी गाँव के रहने वाले किसान संतराम सिंह की बेटी माउंटेनियर काजल पटेल की, जो 2 साल पहले पैसा जमा न होने के कारण एशियन ट्रैकिंग कंपनी में एवरेस्ट की चोटी पर उसे चढ़ने से रोक दिया गया था। लिहाजा काजल का सपना अधूरा ही रह गया। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का सपना संजोए किसान की बेटी और एनसीसी व निमास की बेस्ट कैडेट अवार्ड विजेता माउंटेनियर काजल पटेल ने एवरेस्ट अभियान फतह के लिए 25 लाख रुपए की मदद की गुहार लगाई है। काजल ने इसके पहले जिलाधिकारी अनुराग पटेल से भी अपनी फाइल मुख्यमंत्री को भिजवाया है, लेकिन अभी तक उसके हाथ मायूसी ही लगी है। काजल एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। काजल पटेल ने कहा कि अगर योगी जी उसकी मदद कर दें तो वो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके 5 साल पहले लद्दाख की 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराने वाली पर्वतारोही काजल पटेल का चयन लद्दाख अभियान के लिए 2017 में किया गया था, जहां देश के विभिन्न प्रांतों से कुल 20 सदस्यीय टीम चुनी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की वह अकेली बेटी थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराने का सपना देख रही काजल को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के प्रयास से भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने काजल पटेल को अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा संचालित माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाली एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन देकर प्रशिक्षित की है। प्रशिक्षण के दौरान बेस्ट कैडेट का उसे अवार्ड भी मिला था। पर्वतारोही काजल पटेल, दुनिया की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का जज्बा उसके अंदर कायम है, लेकिन सरकार या कहीं से और कोई मदद नहीं मिलने से वो सपना उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। काजल पटेल अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली और दुनिया की 5वीं भारतीय महिला बछेंद्री पाल से 2019 में मुलाकात करके एवरेस्ट के विषय में जानकारी भी हासिल की थी। बछेंद्री पाल ने काजल को अपना मोबाइल नंबर देकर समय समय पर प्रशिक्षण के बारे में उसे टिप्स देती रहती हैं। काजल पटेल वाराणसी से बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह राम ललित सिंह महाविद्यालय कालहट मिर्जापुर से बीएड कर रही हैं, साथ ही साथ सेना के लिए परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। काजल का सपना है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराकर वो देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। देखना है कि उनका यह सपना कब पूरा होता है। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम काजल पटेल है, मैं पर्वतारोही हूँ, मैं और आज पर्वतारोही दिवस है और मैं पर्वतारोही हूँ। मैं मिर्जापुर जिले के हिनौती माफी गांव से हूँ। मैंने बहुत सारी पर्वतों पर तिरंगा लहराया है, जैसे 18,500 ऊंचाई पर मैंने लद्दाख की चोटी पर तिरंगा लहराया है, मैंने गौरीचंद्र पर्वत पे तिरंगा लहराया है, मैंने फ्रेंडशिप पर्वत पे तिरंगा लहराया है, मैंने बहुत सारी पर्वतों पर तिरंगा लहरा है और मैंने बहुत सारे पर्वतों की चढ़ाई की है, ट्रैकिंग की है, मैंने माउंटेनियरिंग के सभी कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स अरुणाचल प्रदेश से और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स हिमाचल प्रदेश से प्राप्त किया है, और मैंने एक्सपेडिशन भी किया है जिसमें मैंने बहुत सारी पर्वतों पर चढ़ाई की है, और मैं बछेंद्री पाल जी से भी मिल चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सारी माउंटेनिंग और पर्वतों से के बारे में, उसकी चढ़ाई के बारे में जानकारी दी है, जहाँ उनसे बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त की है मैंने, और मैंने मेरा सिलेक्शन माउंट एवरेस्ट के लिए हो चुका था, जिसमें मुझे 25 लाख रुपयों की आवश्यकता थी और जो कि मुझे सहायता नहीं प्राप्त हुई। मैंने अपने पूर्व जिलाधिकारी, जो कि मिर्जापुर के जिलाधिकारी, पूर्व जिलाधिकारी रह चुके हैं अनुराग पटेल जी
की मदद से मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा था, जिनसे उनका कोई जवाब न मिलने के कारण उसमें मुझे असफलता प्राप्त हुई। मैं चाहती हूँ, एक बार फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से मेरी मदद करिए, ताकि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा सकूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करिए और मेरी मदद करिए, ताकि मैं अपना, अपने देश का, अपने प्रदेश का, सबका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकूं। जय हिंद। यूपी न्यूज 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।